हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिय पपीज रबट्टा। तो खैर, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मोटी कैसे होना है। ऐसे मैं तो खुद मोटी नहीं हूँ, देखो लड़की लोग थोड़ी दुबली रहती है, कुपोषण का शिकार रहता है, तो उसे बोलता है जीरो फिगर। आप एग्जांपल मुझे ही देख लो। खैर मैं तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं उतनी भी दुबली नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने डाइट पर ध्यान दे रही हूँ। वो कल का बर्तन मैं नहा ली हूँ, नहा वहाँ के फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद ये बर्तन कल का है, वो मेरा इच्छा करेगा तो वो मैं धोऊंगी, क्योंकि मेरा मैसे खाना आता है। और ये कल पार्टी चला था, कंजना जा रही थी, घर चली गई छुट्टी में। पता नहीं 1 जनवरी में किसके साथ सेलिब्रेट करूँगी, अकेले रहूँगी, अकेले इस बेड पे सोना है, क्योंकि घर तो जाना नहीं है। छुट्टी से मैं आई हूँ, इतना आप लोग बोलते थे ना कि इतना तो बिहार का वर्ग किलोमीटर भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस डेट नहीं है। एक बात बताओ, 40 किलोमीटर सहरसा है मेरे घर से, और 405 किलोमीटर बगहा है सहरसा से, तो कितना हुआ, 500 किलोमीटर नहीं हुआ। आप लोग तो मुझे कमेंट्स करने लगते हो। खैर कोई बात नहीं, आप लोग का भी इच्छा होता है, आप लोग किसके पास इच्छा जाहिर करोगे, तो जाहिर सी बात है मुझे कहोगे। जो अपने होते हैं उसी को तो लोग गाली देते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं। मेरी मम्मी कहती है रोगैया बन के मत आना, खाने पीने पर ध्यान देना, जब तू मोटी हो जाएगी तभी आना। तो मेरा गला लगा हुआ है, सर्दी ज़बरदस्त का है, तो भी मैं केला दूध खाना स्टार्ट की हूँ, और काजू किशमिश ड्राई फ्रूट ये कहने के लिए है कि एनर्जी देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मोटी वोटी कुछ भी नहीं होता है, वो बस थोड़ा सा मजबूती देता है, वीकनेस को दूर करता है। उसमें भी कंटिन्यू खाओगे तो, मैं खा के थक गई, लेकिन मैं मोटी नहीं हुई और मैं मोटी होती भी नहीं हूँ। जब मैं शादी करूँगी, सब कहता है शादी करोगी तब तुम मोटी हो जाओगी, तो मैं अब शादी करके ही ट्राई करूँगी, लेकिन शादी अभी नहीं करूँगी। और मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो आप लोग को लगता है कि शादी वादी करने का मन है, तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, भला बुरा जो भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कमेंट्स वॉच ही नहीं करती हूँ, जिसका कमेंट्स अच्छा लगता है उसी का कमेंट्स वॉच करती हूँ। खैर देखिए, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम है, और रूम मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। रूम तो मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। ये स्टार है, आप लोग बोलोगे ये स्टार की कहाँ से लाई हो किसी का, तो ये स्टार मैंने खरीद के लाया, और मैं ये स्टार रखूँगी तब तक जब तक मेरा मतलब SI में सिलेक्शन नहीं हो जाता है या प्रमोशन से नहीं हो जाता है, मतलब SI बनना है मुझे। तो फिर आप लोग पढ़ाई करो, बिहार पुलिस का आप लोग कमेंट्स करते हो कि बिहार पुलिस का कुछ रिव्यू दीजिए, कुछ बताइए कि एग्ज़ाम कब होगा, तो 2024 में होगा, नो डाउट है। आप लोग कान में तेल लेकर के पढ़ाई कीजिए, सोइए मत कान में तेल लेकर के, आराम से पढ़ाई कीजिए। पछताओगे, जब मैं बिहार दरोगा का एग्ज़ाम अटेंड की ना, तो मुझे लगा नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा 50 से 51 क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर मैं पढ़ती अच्छे से, 1 से 2-3 घंटे टाइम देती, तो मैं अच्छा करती और मेरा सिलेक्शन भी होता। और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि मेरा पढ़ाई हुआ है, पढ़ाई किया हुआ है, बस रिविज़न नहीं हुआ है। तो मैं रिविज़न के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। आप लोग पढ़ाई करो, देखो टीचर में बहुत लोग चले गए हैं, बहुत कैंडिडेट चले गए हैं, तो थोड़ा सा सीट कम हुआ है, मतलब कैंडिडेट का फाइट थोड़ा कम हुआ है, तो इसलिए। और मेरी दीदी का टीचर वाला रिजल्ट आने वाला है, सोशल साइंस का रिजल्ट नहीं दिया, आप लोग प्रे करना कि रिजल्ट हो जाए, बहुत ही परेशान थी। और शादी के बाद वो हनीमून पे नहीं गई, हनीमून तो घर में ही बन गया, खैर हनीमून पे नहीं गई, लेकिन पढ़ने चली गई थी पटना। और ये केला दूध खा करके मैं रोटी चली जाऊँगी, तो वो बर्तन धोने का इच्छा होगा तभी मैं धोऊँगी, अगर मेरा इच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं धोऊँगी, क्योंकि मेरा इच्छा जो चीज़ का करने का होता है मैं वही करती हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, बिहार पुलिस पर अगर आप लोग वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोग को किस तरह का वीडियो प्रोवाइड करवाए, पढ़ाई लिखाई से लेकर के। और मैं स्मार्ट बोर्ड लूँगी, स्मार्ट बोर्ड लेना मुझे बहुत ही आवश्यकता हो गया स्मार्ट बोर्ड लेने की, लेकिन उतना भी पैसा नहीं है मेरी जान, पैसा ही तो है, पैसे पे इतना गुमान काहे करे है, यही पैसा तो अपने से दूर करे है। अभी मेरे पास देखो इतना ही पैसा है। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, गंदा बड़ा बुरा जो भी मन होगा वही कमेंट्स कीजिएगा, चौके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के आगे सब कुछ, चोर शोर सब फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई कीजिए।